स्टैब्लिशमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आता है स्टैब्लिशमेंट आरपीडब्ल्यू डी एक्ट बात करता है स्टैब्लिशमेंट की जब भी इस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रकार के संगठन की यह संगठन सरकारी या आ, प्राइवेट मतलब निजी कुछ भी हो सकता है ठीक है सरकारी हो सकता है प्राइवेट हो सकता है मींस बोथ ए गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड ए प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट इसका मतलब यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि इसमें एनजीओ भी शामिल हो जाते हैं अर्ध सरकारी भी शामिल हो जाते हैं अगर कोई एडेड है वो भी शामिल हो जाता है तो इसमें सभी शामिल हो जाते हैं लैपटॉप में नहीं चलती क्लास हाँ लैपटॉप में चलती नहीं है क्लास यू आर राइट फोन पे चलती है तो गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट हैज बीन डिफाइंड एज ए कॉरपोरेशन स्टैब्लिश बाय ए सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट एंड अथॉरिटी और ए बॉडी ओन्ड बाय और कंट्रोल्ड और एडेड बाई दवर्नमेंट ए लोकल अथॉरिटी अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन दंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन और अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जब हम सरकार को या सरकार के तंत्र को डिफाइन करने की बात आती है तो उसमें हर वो बॉडी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार के नियम से बनी है सरकार के खर्चे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चल रही है वो सब क्या कहलाती है वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है प्राइवेट मींस अ कंपनी फर्म को और अदर सोसाइटी एसोसिएशन ट्रस्ट एजेंसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन यूनियन फैक्ट्री कोई भी जो प्राइवेटली किसी व्यक्ति के द्वारा ओन्ड, रन और स्टैब्लिश की गई हो द गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई एनी अदर स्टैब्लिशमेंट एज प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट दो थ्रू नोटिफिकेशन अगर यह तो है ही जो प्राइवेट है इसके अलावा अगर कोई स्टैब्लिशमेंट हो तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि यह सरकारी स्टैब्लिशमेंट है या प्राइवेट है बेसिकली सरकारी वो है जो सरकारी खर्चे से जो टैक्स पेयर की इनकम से चलता हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्शली कंप्लीटली बनाया गया हो कानून के द्वारा जो सरकार ने कानून बनाए हैं उसके अंतर्गत कंपनी लॉ जो सरकार जो बना रही है उसमें सरकार का कोई तंत्र है जो कि इसे करने के लिए कानून पारित कर रहा है अगर इसके अलावा है तो वो सब प्राइवेट है कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कुछ स्टैचुरी बॉडीज हैं स्टैचुरी बॉडी है, है यानी कि वो डायरेक्टली किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम नहीं कर रही वो सेपरेट एक यूनिट के रूप में काम कर रही है लेकिन उनका जो निर्माण हुआ है स्टैचुरी बॉडी के रूप में वो पार्लियामेंट के या स्टेट में किसी विधानसभा के नियम के अनुसार हुआ है ऐसी स्थिति में भी वो क्या है वो सरकारी तंत्र ही कहलाएगा वो गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट है राइट तो इस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट दोनों में ही हम आरपीडब्ल्यू एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने पर जोर देते हैं क्योंकि ये सरकारी तंत्र है सरकारी नियम है सरकारी रूल के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हो रहा है ठीक है देन एक्ट पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटी के लिए क्या कहता है एक्ट पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटी के लिए कहता है कि अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अफेक्टेड बाई ब्लाइंडनेस लो विजन ियरिंग इम्पेयरमेंट डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग ड्वार्फिज्म और ले पर्सन डिसेबिलिटीज़ डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म्स ये सब कौन सी हैं? ये सब कौन सी हैं मेजरेबल टर्म्स में यानी कि यहां पे जो आप जो आप किसी की मेजरमेंट कर रहे हैं किसी की आई साइट की या फिर उसके सुनने की क्षमता की तो ये मेजरेबल टर्म्स में बताई जा सकती हैं ए पर्सन विद नॉट लेस देन फोर्टी परसेंट ऑफ दिसिटीज चालीस परसेंट से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए यानी चालीस परसेंट या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी सर्टिफाइड बाय ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसमें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सेरेब्रल पॉलिसी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मल्टीपल स्लोरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी थैलासीमिया हिमोफीलिया सिकल सेल डिजीज मल्टीपल डिसेबिलिटीज एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन डिजीज शामिल होती हैं तो इन सभी केसेस में चालीस परसेंट डिसेबिलिटी या उससे ज्यादा इन सभी में मेजरमेंट का क्राइटेरिया सेपरेटली दिया हुआ है राइट right? तो जब हम 40% परसेंट के बेंचमार्क की बात कर रहे थे तो ये जो बेंचमार्क है इनका बेंचमार्क कैसा है इनका बेंचमार्क है स्पेसिफाइड इंडिविजुअली इनका बेंचमार्क है 40% परसेंट का तो मोस्ट ऑफ दी डिसेबिलिटी जो है वो 40 परसेंट के बेंच मार्क में आती हैं अपार्ट फ्रॉम दोज जिनको कि आप 40 परसेंट के बेंच मार्क में नहीं आ सकते हाउ वुड यू डिफाइन 40 परसेंट ये आपके लिए जहां दुविधा होती है तो वो ये वाली मैं इनमे मतलब ऐसी हैं जो जिनकी, जिनकी की स्पेसिफिक मेजरेबल टर्म्स हैं उनको अलग तरीके से मापा जाता है और उनके अपने लेवल हैं उनके अपने मात्रक हैं मापने के लिए इसलिए उन मात्रकों को ध्यान में रखा जाता है जब हम किसी को वहां पे डिसेबल्ड बताना चाहते हैं तो ठीक है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे मात्रक हैं अगर हम डिसेबिलिटीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करें कि हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आर एक्ट जो है किसी डिसेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए उसके लिए एक व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअलाइज्ड क्राइटेरिया फॉलो करता है कैसा क्राइटेरिया फॉलो करता है इंडिविजुअलाइज और वो इंडिविजुअलाइज्ड क्राइटेरिया क्या कहलाता है वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का बेंचमार्क कहलाता है ठीक है तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है बेंचमार्क क्राइटेरिया है वो क्या है फोर्टी परसेंट है इन जनरल कितना है फोर्टी परसेंट है इन जनरल बाकी सभी के लिए स्पेसिफिक है एक ऐसा लेवल जिसके बाद में डिसेबिलिटी होना चालू हो जाती है यानी कि वो डिसेबिलिटी आपके विकास में आपके प्रयास में आपके डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न कर रही हो दीज आर कॉल्ड बेंचमार्क डिसेबिलिटी ठीक है डेफिनेट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इट इज अ डैम श्योर क्वेश्चन जरूर पूछा